नमस्ते, मैं हूँ चारू। वेलकम टू अवर चैनल द क्राफ्ट सर्कल। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो दोस्तों, आज हम एक नया टेजल बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम दो तरीके का बीड्स यूज कर रहे हैं। कॉटन थ्रेड को हम एट लेयर्स के हिसाब से सूजन के साथ तैयार रखे हैं, और सिल्क थ्रेड पिंक वाला यूज कर रही हूँ, और 0.5 mm का क्रोशा यूज कर रहे हैं। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हम जिगजैग के अंदर से सूजन और थ्रेड को उठा रहे हैं ऐसे, और इसमें दो बीड्स डाल देंगे हम। दो बीड्स साथ में डाल रहे हैं, बड़ा वाला बीड्स यूज कर रही हूँ। देखिए, और हम सूजन को जिगजैग के ऊपर अटैच करके बैक साइड ले लेते हैं। फिर से सूजन को उसी बीट के साथ बाहर लेकर आएंगे। तब ये ऐसा बैठता है। इसके साथ हम और सिंगल बीट्स अटैच करेंगे। अभी डबल नहीं यूज करेंगे, अभी सिंगल अटैच करते जाएंगे। इसको भी हम उसी तरह जिगजैग के अंदर से सूजन को लेकर ऐसे बैक साइड सूजन को लेंगे। उसी बीट्स के अंदर से सूजन को बाहर उठा लेंगे। देखिए, हम इसी तरह पूरी पल्लू के साथ इसी तरह बीट्स को अटैच करते जाएंगे। जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना तैयार करके रखी हूँ। अब पूरा पल्लू में बना लीजिएगा ऐसे। ये लास्ट वाला बीट्स है जो मैं तुम्हें आप लोगों को नॉट कैसे डालते हैं ये बता देती हूँ। लास्ट वाला बीट को हम उसी तरह यूज करेंगे, उसी तरह बनाएंगे जिगजैग के अंदर से लेकर, फिर से उसी तरह आउटसाइड बीट के अंदर से सूजन को आउटसाइड लेकर आएंगे, और थ्रेड को बीट के ऊपर रख के नॉट डालेंगे। थ्रेड ऐसे आउटसाइड दिखेगा, मतलब ऐसे नॉट डालेंगे हम। और हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। इसको ही हम चैन स्टिच के साथ शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो भी कॉटन थ्रेड का गैप था उसमें हम 4 चैन स्टिचेस डालकर है। फर्स्ट सेकेंड में 4 चैन स्टिचेस है, उसके बाद सिंगल स्टिच, और हम यहाँ पर आर्च डालेंगे। तो उसके लिए हम गैप छोड़ के 4 चैन होने के बाद गैप छोड़ के हम 5 चैन स्टिचेस लेंगे। इसको हम वैसे ही गैप छोड़ के सिंगल चैन ऐसे ही हम 4 चैन इसे हम फिनिशिंग ऐसा करना है। बीट के अंदर से उस चैन थ्रेड को उठाना है। अभी मैं फिर से बता देती हूँ दोस्तों, देख लीजिएगा। इसको थ्रेड को हम क्रोशे के साथ थ्रेड को बीट के अंदर से उठाएंगे ऐसे, और जिगजैग के अंदर से ऐसे आएगा, और हमें इसे जिगजैग के अंदर से नॉट डाल देंगे। यहाँ पर हम नॉट डाल रहे हैं। नॉट डाल के इसका फिनिशिंग कर देंगे।
अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसको हम जिगजैग के साथ ही लेंगे। देखिए ऐसा स्टार्ट करते हैं साड़ी के साथ। चैन स्टिच लेना है यहाँ पर, थ्रेड को लॉक कर दीजिएगा और अगले चैन स्टिचेस जो है बीट के ऊपर के जो थ्रेड है उसके साथ उसके ऊपर डालते जाइए। जितना चैन स्टिचेस बैठेंगे वहाँ पर उतना भी फिनिशिंग कर दीजिएगा। ये स्टार्टिंग में भी ऐसा ही आएगा और एंड में भी ऐसा ही आएगा। और जो हम लोगों ने यहाँ पर गैप में चैन स्टिचेस डाले थे वहाँ उसके ऊपर फिर से 4 चैन स्टिचेस डाल दीजिए। अगले वाले गैप में सिंगल चैन लीजिए। उसके बाद हम आर्च स्टार्ट करेंगे। आर्च के लिए सिंगल क्रोशेट बना रहे हैं। हम यहाँ पर 14 सिंगल क्रोशेट डालेंगे। इसके बीच में हम स्मॉल वाले बीट्स यूज करेंगे 7 होने के बाद। अभी यहाँ पर 7 क्रोशेट, 7 सिंगल क्रोशेट हो गए हैं। यहाँ पर हम 3 बीट्स लेंगे, स्मॉल वाले बीट्स यूज करेंगे। अभी ये आर्च के बीच में आएगा। और फिर से यहाँ से वैसे ही हम सिंगल क्रोशेट 7 डाल देंगे। यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशेट डाल के उसको अटैच कर देंगे। ये बन गया आर्च। अभी हम अभी अगले वाले गैप में बेबी कुचू के लिए स्पेस छोड़ते जाएंगे। स्पेस में हम फिर से चैन स्टिचेस डालेंगे, 4 चैन स्टिचेस के साथ उसको फिल करेंगे। हम यहाँ पर फिर से सिंगल चेन ले रहे हैं, उसके बाद सिंगल क्रोशेट स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम एज इट इज 14 यहाँ पर हम फिर से सिंगल क्रोशेट डालेंगे। 7 होने के बाद बीट्स यूज करेंगे, 3 बीट्स यूज करना है। और फिर से 7 सिंगल क्रोशेट बना देंगे। हमारा अगला वाला आर्च भी रेडी हो गया। अभी इसको हम नॉट डाल के फिनिशिंग कर देंगे।
और बेबी को चुके लिए फिर से स्पेस फिल करेंगे चैन 4 चैन स्टिचेस के साथ। लास्ट वाला हम जैसे फर्स्ट को स्टार्ट करके थे वैसे ही हम यहाँ पर भी एंडिंग करेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छा लगे। उस गैप में उस थ्रेड के ऊपर जितना चैन स्टिचेस आएंगे उतना फिल करते जाइएगा। थ्रेड को यहाँ पर लॉक कर दीजिए। अब ये रहा मैंने बेबी कुचू के लिए थ्रेड सब कुछ रेडी करके रखा है। यहाँ पर मैंने 50 स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड लेकर हूँ रेडी है और जेरी थ्रेड यूज़ कर रही हूँ सूजन के साथ रेडी है। यहाँ पर हम जहाँ पर गैप छोड़ कर थे बेबी कुचू के लिए मैं स्मॉल कुचूस यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। जितना आपको लंबा चाहिए आप उतना बना सकते हैं। मुझे स्मॉल वाले चाहिए था तो मैंने स्मॉल वाले कुछ उस बना कर हूँ यहाँ पर। हम इसको यहाँ पर टाइट से पकड़ कर सूजन के साथ इसको स्टिच कर देंगे। गोल्ड जरी रहेगा। ऐसे हम 5-6 बार मैंने यहाँ पर घुमा करूँ। आप चाहिए तो और भी ज़्यादा बना सकते हैं आपको गोल्ड जरी चाहिए तो। टाइट हो जाएगा ये। हम इसको घुमा के बैक साइड से जरी को अंदर ले लेंगे। देखो ये ऐसा लगेगा। उसको हम अभी कट कर देते हैं। जितना आपको साइज चाहिए उसको रख के कट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर स्मॉल कुछ बना रही हूँ। देखिए ऐसे ही जहाँ पर हम स्पेस छोड़ कर है बेबी कुचू के लिए वहाँ पर हम फिल करते जाएंगे। ये डिज़ाइन बहुत इजी है और ज़्यादा ग्रैंड भी दिखता है। हम फिर से जरी थ्रेड के साथ इसको भी लॉक करते जाएंगे। ऐसे हम 5-6 टाइम ऐसे बनाएंगे। देखिए फिर से यहाँ पर बैक साइड से सूजन को ऐसे लॉक कर देंगे। अभी कट कर दीजिएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर पूरा पल्लू के लिए तैयार है। मैंने यहाँ पर डार्क पिंक की कॉम्बिनेशन बना कर है। साड़ी के बॉर्डर डार्क पिंक है और बॉडी जो है वो बेबी पिंक है तो उसके हिसाब से मैंने डार्क पिंक यूज़ करके हूँ। बीट्स क्रोशेट डालना है और बेबी कुचू। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।